हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा भारती और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंटर फूड के बारे में कि ऐसा कौन सा फूड है जो हम विंटर में यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चों को कम हेल्थ इशू हो, उन्हें कफ कोल्ड की प्रॉब्लम कम हो। इससे पहले भी मैंने कुछ टिप्स बताए थे, कुछ स्पेशल बातें, कुछ स्पेशल फूड आइटम के बारे में आपको पता चलेगा। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि मेरे हस्बैंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो फूड आइटम के कॉम्बिनेशन से हेल्थ के इशू को ठीक करते हैं। बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनको इन्होंने फूड से ठीक किया है, तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और हमारे व्यूअर को और अच्छी अच्छी बातें बताइए जिससे उनके जितने भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो सके। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रभास है, मैं रांची में ही प्रैक्टिस करता हूँ न्यूट्रिशन का। और आज पूजा जी के साथ मैं आज बच्चों का हेल्थ विंटर सीजन में काफ़ी नाजुक होता है, काफ़ी कुछ उनको एक सर्द कोल्ड एंड कफ की सिचुएशन बना रहता है। पूजा जी के रिक्वेस्ट पे मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि विंटर फूड एक बच्चों के लिए क्या सब होना चाहिए। एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, अगर आप देख रही हैं तो विंटर में बच्चों को अच्छा हेल्दी फूड जो बच्चे को गर्म करे और कफ एंड कोल्ड और जो भी इम्यूनिटी इशू आती है विंटर में उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, मैं आज इन्हीं के साथ आपसे साथ बात करने जा रहा हूँ। अब आप 5 ऐसे फूड ज़रूर बताइए हमारे व्यूअर को जो विंटर में अपने बच्चों को दे सके जिससे उनके हेल्थ इशू ठीक हो सके, साथ में उसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनाया जाए, उसके बेनिफिट क्या है फूड के, उसको कैसे लेना चाहिए, मीन्स कि एवरीथिंग मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर को पता चले। सो स्टार्ट करिए 5 फूड से। अगर हम फूड की लिस्ट में देखें तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो विंटर सीजन में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप वेजिटेबल्स मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक स्वीट पोटैटो मिल जाएगी। स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छा फूड है विंटर के लिए, खासकर बच्चों के लिए, बच्चे उसे लाइक भी करते हैं। स्वीट पोटैटो में काफ़ी कुछ फायदेमंद चीज़ें भी होती है, जैसे मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें फाइबर होती है और बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि उसे कॉन्स्टिपेशन होने का काफ़ी चांस रहता है। तो स्वीट पोटैटो लेने से या उसमें जो फाइबर होती है, फाइबर बॉडी में इंटेक जाएगा, गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर, गुड अमाउंट में भी, तो बच्चे कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक होने से, बच्चे का अगर आम भाषा हम देखें तो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होती है, तो कॉन्स्टिपेशन अगर दूर होती है बच्चों की, बैड बैक्टीरिया बॉडी से बाहर हो जाएगी, अगर हम देखें गुड बैक्टीरिया की प्रोपोर्शन वो बढ़ जाएगी और इसके वजह से बच्चे का हेल्थ अच्छा होगा और उसका इम्यून पावर जो है इम्यूनिटी अच्छी होगी, ब्रेन पावर भी अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है वह गट से कनेक्टेड है, तो जब गट अच्छा हो रहा है, जब इंटेस्टाइन अच्छा हेल्दी है तो ब्रेन भी अच्छा होगा। और हम सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का जो है वह ब्रेन अच्छा हो, ब्रेन जैसा मैं बात भी करती हूँ कि हमेशा मेरा वीडियो जो रहता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो अगर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि स्वीट पोटैटो कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट में भी यूजफुल है, और देखिए स्वीट पोटैटो विंटर में ही मिलता है, तो कैसे फॉर्म, क्या कैसे हम बच्चे को दे सकते हैं, फॉर्म देने का तरीका क्या होना चाहिए प्रॉपर? स्वीट पोटैटो को जनरली हम लोग ना बच्चे को बॉयल फॉर्म में ही दें, और बॉयल फॉर्म में उसे या तो पील कर दें बेहतर रहेगा, क्योंकि उसे वॉश करके आप बॉयल कर दीजिए, पील कर ऐसे दे सकती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को माउथ में स्टिक हो जाती है, इसलिए उसे चॉप करके स्मॉल साइज करके उसमें ब्लैक सॉल्ट या फिर संधा नमक दे करके उसे बच दें, या सांस में वाटर भी रखें, क्योंकि अगर स्टिक हो गई तो फिर वो स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए सॉल्टी सॉल्ट देकर आप देते हैं बच्चों को तो सेलिवेशन से वो स्वेलो करने में इजी होती है। आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दें, मैं प्रजना को सॉल्ट के साथ साथ थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देती हूँ, तो उसे खाने में चटपटा सा लगता है, मीठा नमकीन फ्लेवर आते हैं, तो वो प्रजना जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय करती है, तो आप भी उसमें इस तरीके के फॉर्म में दे सकते हैं। अनदर कोई फॉर्म, दूसरा फॉर्म है कि आप जो बच्चे मिल्क लेते हैं, कॉ मिल्क लेते हैं, तो उसे आप मिक्स करके दें, और कॉ मिल्क जनरली बच्चे को डाइजेस्टेबल फॉर्म नहीं हो पाती है, स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट गुड अमाउंट ऑफ फाइबर है, तो अगर मिक्स करके लेते हैं तो वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में बच्चे की इंटेक होगी, तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा और वह स्वीटनेस भी उसकी बढ़ जाती है। और जो मिल्क से एसिडिटी होती है कुछ बच्चों को, वो एक एसिडिटी भी वो शुगर मिलाने शुगर के फॉर्म लेने से, स्वीट पोटैटो के साथ लेने से वह उसकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, तो एक डाइजेस्टेबल फॉर्म बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे की विटामिन कमी है, पार्टिकुलरली आयरन की कमी है, या फिर आप कहें बच्चे का एक हेल्थ अच्छा इम्प्रूव नहीं हो रहा है,
तो अगर मिल्क एंड स्वीट पोटेटो कॉम्बिनेशन मंगा लेते हैं तो बच्चे का हेल्थ अच्छा इम्प्रूव होगा और ओवरऑल एक ग्रोथ अच्छा होगा। और बच्चे को तो हम मिल्क देते ही हैं, तो अगर मिल्क दे रहे हैं तो उसमें स्वीट पोटैटो को मैश करके दे दीजिए, तो उसका क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं स्वीट पोटैटो। ओके, तो नेक्स्ट फूड आइटम आप सीसम सीड ले सकते हैं, तिल। वैसे तिल अगर देखा जाए तो अभी विंटर सीजन है और मकर संक्रांति भी नेक्स्ट मंथ है जनवरी में। तो तिल का दो टाइप्स होता है, एक ब्लैक होती है एक व्हाइट होती है। तो ब्लैक को यूज करना थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि जो कवर होती है सीड की वह इनसोल्युबल फॉर्म होता है और डाइजेस्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। लेकिन अगर उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे उसकी कवर को, तो उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट है गुड क्वालिटी है तिल की, वो भी लॉस्ट हो जाती है। तो बेहतर है सेफ एंड हैंड कि आप व्हाइट सीड को ही यूज करें। व्हाइट सीड में गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम होती है, फाइबर भी होती है और अदर मिनरल्स भी होती है। और बच्चे के ग्रोथ के लिए जो बच्चे मिल्क नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं या फिर उनकी जो प्रोटीन है जो मिल्क प्रोटीन सेंसिटिव होती है, तो उस केस में बच्चे को जो सीसम सीड है तिल का मिल्क है, तिल मिल्क है, सीसम मिल्क है या तिल के दूध जो है उस फॉर्म में देंगे तो बच्चे को इंजॉय करेंगे। और उसका एक अगर हम देखें तो उसका कलर भी व्हाइट होती है मिल्क की, तो बच्चे के एनोलॉजी के रूप में एनोलॉगस के रूप में मिल्क का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और मिल्क में भी कैल्शियम होती है और सीसम सीड उसमें भी कैल्शियम होती है। अगर हम देखें जो पेरेंट्स अवेयर हैं कैल्शियम के बारे में या बच्चे ग्रोथ के लिए, तो वो लोग मिल्क देते हैं, तो मिल्क में भी कैल्शियम होती है, सीसम सीड में भी कैल्शियम है। अगर जो बच्चे नहीं पीना चाहते हैं मिल्क, उसको आप सीसम सीड भी दे सकते हैं। और विंटर की सीजन अभी तो अवेलेबल है ही, तो बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होगा और विंटर में जो एक एनर्जी हीटअप है अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो इसको बनाने का कुछ स्पेशल रेसिपी जो आप बताना चाहेंगे? इसकी सिंपल जो वेल नोन है जो रेसिपी है तिल का लड्डू, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड़ के साथ आप इसको लड्डू बना सकते हैं। और मार्केट से आप ना खरीद बेहतर है, क्योंकि अगर मार्केट में आप देखें जो तिल जो बनाते हैं लोग जो प्रोफेशनल हैं जो शॉपकीपर में बेचते हैं, वो काफ़ी हीट करके काफ़ी उसे क्रश कर देते हैं। इसकी वजह से जो सीसम ऑयल होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। इसलिए कोशिश ये रही हमारा कि अजय अगर मदर आप वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, तो आप घर में ही तिल का लड्डू बनाएं और उसे हम ज़्यादा हीट करके या ज़्यादा उसको प्रेस करके नहीं बनाएं, सिंपल उसे होल फॉर्म तिल को रोस्ट करके आप सिंपल बना सकते हैं। अगर जब बेहतर टेस्ट चाहते हैं तो उसमें पीनट्स रोस्ट करके भी मिला के आप बना सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है तो थोड़ा सा उसमें जिंजर को भी क्रश करके आप दे सकते हैं। मैं उसमें क्रश कर देती हूँ क्योंकि विंटर में है वो उसका नेचर गर्म होता है। मैंने पहले भी बताया जिंजर को का यूज़ जो है विंटर में आप बच्चे को कफ कोल्ड से बचाने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर उसको ऐड किया जाए तो उसका स्वाद जो है उसका टेस्ट जो है बच्चे को काफ़ी पसंद आएगा। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कुछ बच्चे को थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उस केस में वहाँ पे जिंजर नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो एग्रवेट हो सकती है जिंजर से। तो थोड़ा ध्यान देना होगा मदर को कि किस बच्चे का कंडीशन क्या है। ओके, मतलब नॉर्मल है कोई हेल्थ इशू नहीं है तो उसमें आप जिंजर को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इसका जो फॉर्म है, आप तिल का एक मिल्क बना सकते हैं, उसे आप ओवरनाइट या फिर 2-3 आवर्स 2 स्पून 3 स्पून व्हाइट सीसम सीड को आप सोक कर दीजिए वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में। फिर उसे ग्राइंडिंग मशीन द्वारा पेस्ट बना करके और 1 ग्लास या 1/2 ग्लास मेकअप करके बच्चे को दे सकते हैं। इसमें आप हनी भी मिला सकते हैं या फिर गुड क्वालिटी ऑफ जैगरी भी दे सकते हैं। इसकी वजह से बच्चे का एक पीने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा और बच्चे आसानी से ले लेंगे। ये तो डिफरेंट रेसिपी हो गया है, तो ये रेसिपी मैं भी ट्राई ज़रूर करूँगी। देखती हूँ प्रचना को कितना अच्छा लगता है। लेकिन डिफरेंट टाइप के रेसिपी आप बच्चे को ज़रूर ट्राई कराइए, इसे कोई डिफरेंट चीज़ कराइए तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप भी इस टाइप की रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पे। नेक्स्ट फूड आइटम आप एग्स ले सकते हैं। एग्स हम सब जानते हैं कि विंटर सीजन में एग्स खाना चाहिए, एग्स से काफ़ी एनर्जी मिलती है। और एग्स का खास बात है कि एग्स में गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, गुड क्वालिटी ऑफ फैट है। और बच्चे जब ग्रोइंग एज में होती है 3 इयर्स ओल्ड 5 इयर्स ओल्ड, हम सब जानते हैं कि 6 इयर्स एज तक बच्चे का ब्रेन काफ़ी डेवलप होती है, तो उस केस में अगर एग्स दें तो इसके गुड क्वालिटी ऑफ फैट और प्रोटीन वजह से बच्चे का मसल्स भी डेवलप होगी और ब्रेन भी डेवलप होगी। और बहुत सारे बच्चे के एनीमिया के केस होते हैं, अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में इंडिया में भी या खास करके जहाँ हम लोग हैं झारखंड में ट्राई क्लास के लोग हैं, वहाँ बच्चे की सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं होती है। तो वहाँ पे हम लोग एज ए पेरेंट्स या हेल्थ केयर जो हम लोग हैं प्रोफेशनल, उसका से बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं कि पर
डे वन एग होना चाहिए या एटलीस्ट 3 to 4 एग्स दें। और एग्स के जैसे मैंने बताया काफ़ी कुछ फायदे हैं, तो इसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ होगा, अच्छा ग्रोथ होगा और डेवलप अच्छा होगी। सो इसका जो बेस्ट सोर्स है देने का, उसका तो बॉयल फॉर्म में ही देना चाहिए। अगर इसका अमृत बनाते हैं या फिर उसको काफ़ी हीट पे इसको कुक करते हैं, उसकी गुड क्वालिटी ऑफ फैट जो है वो प्रोटीन थोड़ी उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। कोशिश करना चाहिए एज ए पेरेंट, एज ए मदर, कि हम बच्चों को उसे बॉयल फॉर्म में दें और होल एग दें, ना कि कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि जो एग योक है येलो पर्सन उसे नहीं देता अच्छा है। लेकिन जो रिसर्च में देखा गया है कि जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वह एग योक में होती है, जो वो काफ़ी हेल्प करती है। और एग योक में एक लेसिथिन कंपाउंड भी होती है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, मानी जाती है। तो आप एज ए पेरेंट्स एक बच्चे को एग जरूर दें, और सबसे बेस्ट फॉर्म जैसे बताया मैंने आपको कि बॉयल फॉर्म में उसे होल एग्स देना चाहिए। अगर एक के बारे में आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत ही ब्रीफली से एग्स के फायदे बताए हैं बच्चों के लिए, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, लिंक पे भी आपको मिल जाएगा। सो चलते हैं फिर नेक्स्ट फूड आइटम पे। नेक्स्ट फूड आइटम आप रागी की रोटी या फिर रागी दे सकते हैं अपने बच्चों को। और रागी का दूसरा कई नाम है, रागी का दूसरा जो पॉपुलर नाम है उसे मरवा बोलते हैं हिंदी में। तो रागी एक काफ़ी हेल्दी माना जाता है, और इन जनरल अगर देखें जो कल्चर अभी आ गया है वह हम लोग फूड के रूप में जो मेन कोर्स फूड है, सीरियल्स है, एक व्हीट का और फिर यू नो राइस का एक परंपरा है, कल्चर डेवलप हो गई है। पहले ज़माने में लोग काफ़ी रागी यूज क्या करते थे हमारी नानी दादी के समय में, इसलिए लोग कई इलाकों में कई जगहों पे ये रागी अभी भी नहीं मिलती है। तो रागी अगर बच्चे को जहाँ अवेलेबल हो रही है या आपकी लोकेलिटी में या फिर आप ऑनलाइन जहाँ भी हो, तो बच्चे के रागी को देना काफ़ी अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए। क्योंकि बहुत कुछ ऐसे कुछ बच्चे हैं जो व्हीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते ड्यू टू ग्लूटेन सेंसिटिविटी, इसलिए अगर आप रागी देते हैं तो रागी एक अच्छा सोर्स है और उसमें कैल्शियम भी अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ कैल्शियम होती है। तो रागी देना एक अच्छा ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ व्हीट एंड राइस। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को रागी, रागी कई फॉर्म में भी हम दे सकते हैं बच्चों को। रागी का लड्डू भी काफ़ी पॉपुलर है, रागी लड्डू भी दे सकते हैं, या फिर इवन रागी की रोटी सिंपल आप दे सकते हैं। और रागी का दूसरा फॉर्म आप है कि उसे आप सिंपल हलवा जैसे बनाना होगा अपने शुगर के साथ, जैगरी के साथ, तो आप बना के दे सकते हैं बच्चे को, इंजॉय भी करें। और रागी बेहतर अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, जो एक काफ़ी फायदेमंद है। ओके, जैसे रागी के हलवे की सर ने बात की है, तो उसको आप थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए रागी को, और फिर उसमें जैगरी यूज़ करिए, तो उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। उसमें नॉर्मल जैसे हलवे में हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप 1 पर्सन के अमाउंट से दीजिए, क्योंकि उसका अमाउंट जो है बनाने के बाद वो इंक्रीज़ कर जाता है। जैसा मैंने सबसे पहले बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा बन गया था, तो आप जो है कम अमाउंट ही लीजिए और फिर उसका हलवा बनाइए और बच्चे को इंजॉय करने दीजिए, बच्चे पसंद करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ एक जीतिया एक पर्व होता है जो बच्चों के लिए करते हैं, वो काफ़ी टफ फास्ट होता है। उसमें 48 आवर्स के भी होते हैं, 36 आवर्स के भी वो फास्टिंग होते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ कंपलसरी होता है कि वो मरुए की रोटी को खाना है, तो लगता है उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोगों को ये खाना कंपलसरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे फूड आइटम इसलिए भी कंपलसरी होते हैं ना, क्योंकि हमारे पहले पूर्वज जो होते हैं उस अकॉर्डिंग से बनाए हुए हैं, उसका जो क्वालिटीज़ है वो फूड आइटम जो है हमारे कंपलसरी कर दिए फेस्टिवल में, ताकि हमारे हेल्थ को वो मिलता रहे। जैसे जो बच्चे ग्रोथ नहीं हो रहा, जो बच्चे कमज़ोर दिख रहे हैं, उस केस में भी रागी की रोटी या रागी का जो रेसिपी है वह काफ़ी फायदेमंद है। इसमें गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन भी होती है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, जो बच्चे मालनरिश्ड हैं, जो बच्चे ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो वहाँ रागी की जो रेसिपी है, रागी की रोटी सिंपल अपने रूप में वो आराम से दे सकते हैं लीफी वेजिटेबल के साथ, बच्चे इंजॉय भी करेंगे और बच्चे का पर्पस भी, ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वन मोर ऐसे फूड आइटम आप बताइए, एटलीस्ट 5 फूड आइटम को मैंने टारगेट लिया है, तो वन मोर आप फूड आइटम बताइए जिससे विंटर में हम यूज करके बच्चे के हेल्थ को ठीक कर सके। राइट। नेक्स्ट आप फूड आइटम ले सकते हैं बीट रूट काफ़ी फायदेमंद है। बीट रूट से भी यू नो काफ़ी उसमें गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर होती है, गुड क्वालिटी ऑफ आयरन है, इसके वजह से इसके लेने से बच्चे का यू नो हेल्थ अच्छा होता। और इसका जैसे मैंने आपको स्वीट पोटैटो के बारे में बताया था, उसी ढंग से बीट रूट में भी गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर होने की वजह से ये जो बच्चों कॉन्स्टिपेशन होती है वो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है, और जो बच्चे कुछ और अदर खाना भी खाएंगे उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छे ढंग से होगा।
तो बीट रूट की काफ़ी कुछ एडवांटेज है हमारे हेल्थ को, बहुत बच्चे को ब्लड नहीं बन रहा है या फिर बच्चे का एपेटाइट अच्छा नहीं है, और बहुत सारे बच्चे जैसे जंक फूड खाते हैं, बहुत शुगर रिच फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो अगर आप बीट रूट लेते हैं, बीट रूट लेने से लीवर भी साफ़ होती है, लीवर जो फैटी लीवर हो जाती है, लीवर या बॉडी में टॉक्सिन डेवलप हो जाती है, तो ब्लड भी इम्प्योरिटी जो ब्लड में इम्प्योरिटी डेवलप होती है, तो ये अगर आप जूस लेते हैं बीट रूट का, बीट रूट की अगर सलाद भी खाते हैं, तो उससे भी बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होती है, लीवर साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगी, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली है कि वो इम्प्रूव करेगा, बच्चा हेल्दी होगा। और ये बीट रूट काफ़ी कुछ ब्लड फॉर्मेशन के रूप में भी देखा गया, ब्लड कोई बढ़ाता है तो जो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, पढ़ने में फोकस अटेंशन नहीं डेवलप हो रही है, तो इसकी बीट रूट का रेसिपी, बीट रूट का आप सिंपल में आप उसका हलवा बना के दें जैगरी के साथ, या मिल्क को मिला करके भी, और ड्राई फ्रूट्स मिला दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होगा, बच्चे खाने में मज़ा आएगा उसको बीट रूट को, और बच्चे का फिर हेल्थ इम्प्रूव होगा ही होगा। इस ढंग से अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ है जो विंटर सीजन में हम लोगों को यू नो अवेलेबल है हमारे मार्केट में, जो हम लोग किचन में आके कुक करके एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे का हेल्थ अच्छा होगा, और बच्चे का इम्यून सिस्टम अगर इम्प्रूव हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा ही होगा। ओके सर ने जैसे 5 फूड बताए हैं, मेरे ब्रेन में सेम वही बातें चल रही हैं कि सर ने जो जो फूड बताए हैं, आप देखिए कि विंटर में वो मिलने वाले हैं, मीन्स कि विंटर में वो मिलते हैं, तो हमारा नेचर भी उस अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप करता है कि विंटर में क्या हम प्रकृति जो क्या हमें देती है, हम उसको किस फॉर्म में लेते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कैसा बनाते हैं, हमारे बीमार पड़ने की जो क्वांटिटी है वो कम हो सकती है। फूड इतना इम्पोर्टेंट है, हम सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हम पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ खर्च भी करते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, लेकिन अगर फूड हम अच्छा से नहीं दें तो फिर जो अच्छे स्कूल में देने का मकसद जो हमारा है वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और विंटर में काफ़ी कफ कोल्ड या फिर देखें बच्चों काफ़ी हेल्थ बिगड़ती है, तो कोशिश ये करें कि अच्छा फूड पे हम ध्यान दें, अच्छे घरेलू नुस्खे जो है सेट है, हम सब जानते हैं थोड़ी सी हम लेजी होते हैं, थोड़ी सी हमें टेंशन है, ये पेरेंट्स नहीं देते हैं कि हम बच्चों को कैसे हेल्दी रखें घर पे भी, तो थोड़ा सा जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, जे मैं भी पेरेंट्स हूँ, आप भी पेरेंट्स हैं, अगर नहीं भी है तो आप फ्यूचर में पेरेंट बनेंगे, तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ी सी सीखिए, थोड़ी समझिए, थोड़ी पेशेंस रखिए, और फूड पे थोड़ी फोकस कीजिए। फूड इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि जो आपको है ना काफ़ी हेल्थ इम्प्रूव करेंगी, पैसे सेव करने का उस तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हेल्थ इम्पोर्टेंट है, और आप पैसे खर्च करके हेल्थ ले लेंगे, लेकिन अगर बॉडी में अगर आप फूड अच्छा नहीं दे रहे हैं तो माइंड सही से नहीं डेवलप हो पाती है। माइंड यहाँ डेवलप करने मतलब ये हुआ कि बच्चे बहुत सारे चिड़चिड़ा होते हैं, बच्चे को पढ़ने में फोकस नहीं लगता है, बच्चे जहाँ अटेंशन नहीं रहता है, तो फिर हम वरी होते हैं बच्चे का अटेंशन फोकस क्यों नहीं क्रिएट कर रहा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि फूड पे फोकस कीजिए, फूड को एक डिसिप्लिन समझें कि जिस ढंग से हम मॉर्निंग से नाइट तक हम लोग क्या करें, थोड़ी सी अटेंशन को इम्प्रूव करें, और ये पेरेंट्स किचन में देखें क्या है नहीं है, बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, और इस ढंग से आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, जितना कम हो सके बच्चे को जिसका एक ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग माइंड है, ग्रोइंग बॉडी है, उस केस में बच्चे को मेडिसिन से थोड़ी कम मेडिसिन से थोड़ी कम ध्यान दीजिए, बच्चे मेच्योर जाते हैं, जैसे हम लोग यंग हैं उतनी मेडिसिन का बैड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बच्चे को इफेक्ट पड़ती है, अगर बच्चे ज़्यादा मेडिसिन खाएंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, इरिटेट फील करेंगे, फिर उनको कुछ दिन 1 वीक तक पढ़ने में उसको मन नहीं लगेंगे। आप जरूर आपको और कोशिश कीजिएगा समझने का, तो आप जरूर समझिए कि बच्चे क्यों नहीं मन लग रहा है, जब बच्चे हेल्दी होंगे, जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी उसको पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखें, बच्चे का हेल्थ अच्छा रखें, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हम लोगों को लास्ट में, और विंटर फूड के बारे में तो हम लोगों ने लिया ही है, इसके अलावा भी मैंने बताया है कि आप हींग का यूज़ कर सकते हैं, अदरक का यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कफ कोल्ड के बारे में भी बताया था आपको, तो उसके अकॉर्डिंग भी फूड आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपने किचन से बच्चे को ठीक कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मैं सर से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि किसी और टॉपिक पे भी मैं अगर सर को बुलाऊं तो डेफिनेटली आए हमारे व्यूअर के लिए, और अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट में जाके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूंगी। सो अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।